हेलो बच्चों, ये क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए फिजिक्स का वीडियो है। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज कैसे बनती है, कहाँ पे बनती है, किस साइज की बनती है, ये सब बातें हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो के अंतर्गत। तो इसमें भी कई केस होते हैं। सबसे पहले केस हम लेते हैं, देखो इसके पहले आप पढ़ चुके हो कि क्या रूल्स होते हैं कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लिए और कॉनकेव मिरर से इमेज अब कैसे बनाएंगे, तो वो हम लोग अब इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दें आपको, ये आप क्या देख रहे हो, ये कॉनकेव मिरर है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि कॉनकेव मिरर को हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे गोला खींच दिया, ठीक है, और ये हो गया कॉनकेव मिरर। लेकिन बच्चों देखिए, ये जो आपके सिलेबस में है, ये कॉनकेव मिरर बहुत छोटा होता है। छोटा का मतलब, अब जैसे यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट इसका काट लीजिए, तो ये लाइन आप देख रहे हो, ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन। तो ये गोल ना हो करके आप इसको इस तरीके से बनाइएगा तो ज़्यादा आपका सही रिजल्ट आएगा। एक लाइन खींच लीजिए, उसको ऐसे थोड़ा सा घुमा दीजिए, ठीक है, और ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। तो चूंकि हम लोगों की आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए हम इसको गोल खींच लेते हैं। तो आप लोग सीधा बनाएंगे तो आपका जो है, जो पेंसिल और स्केल का यूज़ करते हुए, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी इसमें, इमेज में। तो सबसे पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी। सी ये है, ये पोल है, फोकल पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को हमने रखा है यहाँ पे सी से दूर, यहाँ इस जगह पर। अब देखिए, किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रे चाहिए होती है। ये जैसे ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की इमेज हमको बनानी है, तो इसके लिए हमको कम से कम कितनी रे की ज़रूरत पड़ेगी, दो रे की। तो दो रेज में एक रेज जो है ये आ गई, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टेड साइड से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से जाती हुई ऐसे चली जाएगी, फोकस से होकर के, ठीक है। और जो दूसरी रे है, उसको हम यहाँ से ये फोकस से लेते हुए फोकस से पास करा देंगे, और ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके पहले आप ये रूल पढ़ चुके हो कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो जब ये लाइट रे, ये दूसरी वाली, यहाँ से टकराएगी, तो टकराने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अब देखिए, ये जो पहली वाली रे रिफ्लेक्ट हुई थी, तो वो यहाँ पर आई ऐसे, दूसरी वाली रे ये ऐसे आई, ठीक है। अब एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये दोनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस जगह पर। तो ये जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो ये इमेज बनेगी, यही इसकी इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिलती हैं उसे इमेज कहते हैं। तो ये जो इमेज आपकी होगी, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि ये इमेज किस टाइप की होगी, कैसी होगी, इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो इमेज है, इसकी पोजीशन क्या है, ये इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा, अब ये देखिए, ये इमेज कैसी है, सीधी है कि उल्टी है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, तो इसकी इमेज आपकी ऐसे उल्टी बन रही है, तो ये हो जाएगी इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अब ये जो है रियल होगी या वर्चुअल होगी, ये इमेज कैसी होगी, इसके बारे में ज़रा देखिए। तो देखिए, जो इमेज वास्तव में एक्चुअली एक दूसरे को मीट करती हैं, वो होती है रियल इमेज। जो एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, वो होती है वर्चुअल इमेज। तो अब देखिए, ये यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे है,
और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो जब ये मीट करेंगी तो ये रियल इमेज होगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो वो हमेशा रियल होगी। रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रियल, इन दोनों में से कोई एक चीज़ है तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा। अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल होगी, इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब इसका साइज देखिए, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ये इमेज आपकी ऐसे बन रही है, तो ये बताइए कि बड़ी है या छोटी है पहले से? पहले से ये छोटी है, ठीक है, तो ये हो जाएगी डिमनिस्ट, ठीक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसके हो गए कि इमेज फॉर्म कैसे बनती है कॉनकेव मिरर से, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी से दूर रखें तो पोजीशन हो जाएगी बिटवीन एफ एंड सी, इमेज इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, रियल का मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को मिल रही हैं, और इमेज आप इसमें देख लीजिए ये पहले से छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो ये डिमनिस्ट हो जाएगी। दूसरा केस है, अब हम इस इधर की ओर बढ़ते हैं, पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था यहाँ पर, अब हम इधर धीरे धीरे बढ़ते चले आते हैं। मान लीजिए अब ऑब्जेक्ट को आपने सी पे रख दिया, ठीक है, पहले यहाँ था अब सी पर रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इस पॉइंट से ये लाइट रे चली, इस सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद ये फोकस से होते हुए इधर चली गई, दूसरी लाइट रे यहाँ से होती हुई ये फोकस से होती हुई पास हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मीट कर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मिलती है, तो आपका ये जो है इस पॉइंट को आप आगे ज्वाइन करा दीजिए, ये आपकी इमेज हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इसका जो इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसकी ज़रा पोजीशन और करेक्टरिस्टिक देख लीजिए, तो यहाँ पे जो इमेज की पोजीशन है वो क्या है, ये सी पर ही बन रहा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म एट सी। अब ये इमेज कैसी है, उल्टी है कि सीधी है, तो ये देखिए उल्टी इमेज आ रही है, तो ये इन्वर्टेड है, और जब इन्वर्टेड है तो रियल होगी ही, वास्तव में ये एक दूसरे को मीट कर रही हैं। और इसका साइज कैसा होगा, ये देखिए इक्वल सेम साइज है, ये ए बी और ए डैश बी डैश ये दोनों इक्वल हैं, तो ये सेम साइज़ का हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ऑब्जेक्ट को हम सी से इधर लेके आएंगे, पोल की तरफ बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे कर, तो पहले हमने सी से इधर रखा, फिर सी पे रखा, अब सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो अब आप जो है ये सी है ये एफ है, तो ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए सी और एफ के बीच में, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लाइट रे गई यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद ये फोकस से होती हुई इधर चली जाएगी, दूसरी लाइट रे ये फोकस से होती हुई जाएगी इसके सरफेस पे टकराएगी, टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रही हैं, तो ये इमेज जो है इसकी पोजीशन ज़रा देखिए क्या है, ये आपका एफ है ये सी है, इमेज आपकी इधर बन रही है, यानी इमेज जो है वो आपकी बियॉन्ड सी है, सी से दूर है, ठीक है, तो पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड सी। इमेज उल्टी है या सीधी है, तो ये उल्टी है यानी इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो रियल होगी, एक्चुअली ये मीट कर रही हैं एक दूसरे को। अब ज़रा साइज़ देखिए, साइज़ इसका क्या है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी बड़ी है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी इमेज है, तो ये हो जाएगी मैग्नीफाइड यानी बढ़ी हुई इमेज आपको इसमें मिलेगी। अब बच्चों फिर हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट को आपने रखा था सी और एफ के बीच में, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस पॉइंट पर एफ पर। तो यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट केस है, थोड़ा सा अलग हट करके है, ऊपर जो तीन इमेज आपने देखी हैं उससे थोड़ा सा अलग है।
ये है फोकस, फोकस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक लाइट रे यहाँ से निकली, यहाँ फोकस से होती हुई इधर चली गई। अब दूसरी लाइट रे फोकस से तो पास हो नहीं सकती, अब क्या करना पड़ेगा? इसके पहले अभी हमने तीन लॉ पढ़े थे, तीन रूल पढ़े थे कि एक तो ये पहला रूल ये था कि अगर कोई पैरेलल लाइट, पैरेलल रे जो है कॉनकेव मिरर से टकराएगी तो वो फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरा रूल था रिवर्सिबिलिटी का, अगर कोई फोकस से जाती है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब जब दोनों ही रूल इसमें नहीं लग रहे हैं तो आप थर्ड रूल को याद करिए। थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो टकराने के बाद में वो वापस उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री पर वापस चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के। तो अब यहाँ पे देखिए, पहली लाइट रे तो यहाँ से आई और फोकस से पास हो गई। अब जो दूसरी लाइट रे है वो कहाँ से होनी चाहिए पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब आप यहाँ से एक ऐसी रे निकालिए कि जो ऐसी लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है? तो इस पॉइंट से, तो अब देखिए यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज़रा ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गई, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए तो ये जो है यहाँ पे आके टकराई। अब मिरर को ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे जो है, ये जो आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये ऐसा इसको लग रहा है, मिरर को लग ही रहा होगा, है ना? तो अब जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मालूम हो रहा है कि यहाँ से आ रही है तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर के ये वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जिधर से आई थी, ठीक है? अब ज़रा इन दोनों रे को देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है? ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रही हैं? ये दोनों पैरेलल हैं, देख रहे हो, ये दोनों पैरेलल रेज हैं। तो जब आप ये देखिएगा, ये बहुत दूर जा कर के कहीं पर अगर मिलेंगी तो वो इनफाइनाइट में मिलेंगी, यानी ये ऐसा एज्यूम कर लिया गया है, एक मान लिया गया है, हालांकि जो है ये बहुत दूरी पर जा कर के मिलेंगी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बना दिया है कि ये जो है अगर पैरेलल रे है तो इनफाइनाइट पे मिलेंगी जा कर के, ठीक है? और बहुत बड़ी मिलेंगी, उल्टी बनेगी इसकी जो इमेज होगी। तो यहाँ पर जो है इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? तो पोजीशन हो जाएगी एट इन्फिनिटी। इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, बहुत दूर जहाँ के हमको पता नहीं है लेकिन ये मान लिया है, और जब इन्वर्टेड है तो रियल होगी, ठीक है? और ये जो इमेज होगी वो कितनी साइज़ की होगी? हाईली इनलार्ज, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी। तो ये केस थोड़ा सा हट करके है, ठीक है? ऊपर के जो तीनों केस हैं उनसे थोड़ा सा हट करके है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अब फोकस तक हो गया। अब फोकस के बाद में, अच्छा ज़रा एक चीज़ और देख लीजिए, पहले आपने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, ठीक है? तो इमेज आपको छोटी मिली, फिर आप ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, यानी आपने रखा सी पर, तो इमेज आपको सी यानी ऑब्जेक्ट के इक्वल मिली, सी के ऊपर ही, यानी ये जो इमेज है ये पहली वाली से थोड़ी सी बड़ी है। फिर जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के बीच में, तो अब जो इमेज है वो पहले से, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इससे बड़ी मिली। फिर जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा एफ पर, ठीक है, तो अब आपको जो इमेज मिलेगी वो बहुत बड़ी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ खिसकाते हैं, तो उसकी इमेज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, ये इसका कंक्लूजन निकल के आया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पोल की तरफ लेके जाएंगे, उसकी इमेज हमेशा आपको बड़ी हुई मिलेगी, ठीक है? और देखो बच्चों, एक चीज़ और सुन लो कि जितनी भी डिस्टेंस होती हैं, मेजर की जाती हैं, वो सारी की सारी जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ और पी के बीच में, तो देखिए उसका क्या केस होता है, ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, थोड़ा अलग हट करके है।
व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ये है एफ, ये है पी, फोकस पोल, ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा, ठीक। तो एक लाइट रे आपकी यहाँ से चली, यहाँ से इसके मिरर के ऊपर टकराई और फोकस से होती हुई इधर चली गई, ठीक है। और जो दूसरी लाइट रे है, अब फोकस से तो हम ले जा नहीं पाएंगे, तो फिर वही पहले वाला केस इसमें लगा दीजिए कि अब इस लाइट रे को हम कहाँ से दिखाएंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो इसको थोड़ा सा डॉटेड उसमें बढ़ा दीजिएगा और यहाँ तक लेके आइएगा। जब ये यहाँ तक लेके आएंगे तो ये टकराएगी तो वापस इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। अब ज़रा ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो रही हैं, यानी ये फैलती चली जा रही हैं, और जो रे फैलती चली जाएगी वो कभी मीट नहीं करेगी, कभी वो मिलेंगी नहीं। तो ये डाइवर्जिंग रेज हैं दोनों, और ये डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, दे नेवर मीट। तो अब क्या करें, इमेज कैसे बनाई जाए, तो अब हम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा दीजिए, इसको भी और इसको भी, इमेज तो हमको बनानी ही बनानी है, चाहे जैसे बनाएंगे, इस साइड में तो बन नहीं सकती, ठीक है, यहाँ पे कभी मिलेंगी नहीं, तो हम इसको आगे मिलाते हैं, आगे ले जा करके, यानी मिरर के पीछे की साइड में। तो ये दोनों लाइट रे को जो आगे जब बढ़ाया आपने, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो है हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। अब ज़रा इसका नेचर देख लीजिए, इसकी पोजीशन देख लीजिए, इस कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, तो ये जो लाइट रे है, मतलब ये जो इमेज बनी है, इसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड या बिहाइंड मिरर, यानी मिरर से दूर या मिरर के पीछे, ये इसकी पोजीशन हो गई। अब ये इमेज सीधी है कि उल्टी है, तो ये सीधी है, अपराइट इसको बोलते हैं, ठीक है। और जब सीधी होगी तो इमेज वर्चुअल होगी, यानी ये एक्चुअल में नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन हमने इसको मिला दिया है, तो ये इमेज आपकी वर्चुअल हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है साइज़ में, ये इमेज उससे काफ़ी बड़ा है, तो ये हो जाएगी इनलार्ज, ठीक। अब लास्ट इसमें आता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखें, तो इनफाइनाइट से बच्चों अगर लाइट रे आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो ये इनफाइनाइट है, यहाँ से लाइट रे आई इनफाइनाइट, यहाँ पे जो इसका सरफेस है इससे टकराई और फोकस से होती हुई इधर आ गई, ये यहाँ से इनफाइनाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इससे टकराने के बाद में ये फोकस से होती हुई जाएगी। तो अब ये कहाँ पे मिली, एक्चुअली ये यहाँ पे मिली। तो अब देखिए इसकी पोजीशन क्या है, तो इमेज आपको कहाँ पे मिल रही है, इमेज आपको फोकस पे मिल रही है, ठीक है। अब फोकस पे मिल रही है, तो अब चूंकि मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि ये रियल होगी, है ना, जब ये एक्चुअली मीट करती हैं तो ये रियल इमेज होगी, और जब रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रियल। अब देखिए इमेज का साइज़ क्या है, तो ये इमेज जो है एक पॉइंट साइज़ में है, पॉइंट साइज्ड इमेज। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट से, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से फोकस तक जब ऑब्जेक्ट को रखा तो हमको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिली, चाहे आप इसके इसमें देखिए, चाहे इसमें देखिए, चाहे इसमें देखिए। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा, ठीक है, तो इमेज हमको वर्चुअल मिल रही है, ये वर्चुअल और इरेक्ट मिल रही है, वर्चुअल और इरेक्ट या अपराइट, और दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी इनफाइनाइट से जो वो लाइट रे आती है तो उसकी इमेज आपको फोकस तक तो मिलेगी आपको रियल और इन्वर्टेड, और फोकस के बाद में ऑब्जेक्ट आप जैसे जैसे ले जाएंगे पोल की तरफ तो उसकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो ये बच्चों नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन है,
और इसको एक रफ कॉपी पे या हो सके तो फेयर कॉपी पे इसको जो है ड्रॉ कर लीजिएगा अपने हाथ से, और खुद ड्रॉ करिएगा। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए इसमें कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके अपोजिट इसका करेक्टरिस्टिक पोजीशन क्या क्या है, कहाँ पर है, तो उसके बाद में अपने आप खुद ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा आपका हाथ सेट हो जाएगा। थैंक यू।